दोस्तों, अगर आप क्लास 6 से 12 तक किसी भी क्लास में हो, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है तो अब आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डाउट नॉट की तरफ से एक नंबर आया 8400 400 400। इसमें आपको अपने क्वेश्चन का फोटो खींचना है व्हाट्सएप पर और इसको अच्छे से क्रॉप कर लेना है कि जिसमें सिर्फ क्वेश्चन ही दिखे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इसको क्रॉप कर आपको 8400 400 400 नंबर पर व्हाट्सएप पर भेज देना है और आपको मात्र 3 सेकेंड वेट करना है। जैसे ही काउंट टू 3 2 1, आपको 3 सेकंड वेट करोगे, आपको आपका क्वेश्चन का जवाब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के एकदम बेहतरीन तरीकों से सरल स्टेप में, कई तरीकों से कई स्टेप में आपको यहां पर आपका आंसर मिल जाएगा। आपको ना कोई पैसा देना पड़ेगा ना कुछ, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत इस नंबर पर अपने क्वेश्चन को भेजे, और साथ में डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक भी दिया हो तो जरूर जाकर डाउनलोड कर लो। नमस्कार दोस्तों, सुमन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। क्लास 12th में मैथमेटिक्स में जो पोर्शन चल रहा है मैक्सिमा मिनिमा का, मैंने जो क्वेश्चन नंबर 25 और 26 जो छूट गया था, मैंने बताया था कि जो 4 सवालों में 2 सवाल मैंने बता दिया था पिछले लेक्चर में, अब जो है आज 25वां और 26वां सवाल हम करेंगे। देखिए, मैं सवाल यहाँ पर पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का, देखिए यहाँ पर जो एक बार जो है न्यूनतम पृष्ठ का एक दिए आयतन, यानी कि इस बार जो है दिया हुआ आयतन, यानी कि आयतन फिक्स है। इस बार जो है फंक्शन जो है हमारा एस होगा, यानी कि सरफेस एरिया की लंब वृत्तीय शंकु की जो ऊंचाई है आधार की त्रिज्या का √2 गुना होगा। यानी कि देखिए कुछ इस तरह से है कि मान लीजिए आपको पता होगा कि कोई शंकु जो है उसमें ये एच होता है, उसका उसका जो बेस होता है, यानी कि जो बेस होता है वो होता है सर्किल, वृत्त होता है तो वृत्त होगा तो उसका त्रिज्या होगा, तो त्रिज्या मान लीजिए आर है, और ये जो एल होता है ये तिर्यक ऊंचाई होता है, ठीक है ना। सभी को पता है कि जो एल होता है तिर्यक ऊंचाई होता है, और एक बड़ा अच्छा रिलेशन होता है एल एच आर में, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री होता है। क्या हो जाता है कि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है, ओ ए बी यानी कि एक ट्रेंगल बन जाता है, इन ट्रेंगल ओ ए बी में अगर पाइथागोरस देखा जाए तो हाइपोटेनस यानी कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ पे आप क्या होगा कि एल की अगर वैल्यू देखा जाए तो √ जो है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे चूंकि प्लस माइनस आएगा लेकिन हम लेंगे प्लस, क्योंकि एल जो है एक लंबाई है, तिर्यक ऊंचाई है शंकु की, तो इसलिए हम पॉजिटिव लेंगे। एच लंबाई कभी भी जो है नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये जो है एल की वैल्यू क्या करेंगे, ये चीज़ यूज होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक ना। अब सवाल में ये चीज़ देखिए, हम स्टार दे रहे हैं इसको, ये चीज़ यूज होगा। करेक्ट दी न्यूनतम जो है पृष्ठ, न्यूनतम पृष्ठ यानी कि अगर हम बात करें तो कौन का जो है पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, संपूर्ण पृष्ठ नहीं पृष्ठ यानी कि ये जो कर्व वाला पोर्शन होता है, ये कर्व वाला पोर्शन है, ऐसे जैसे कि अगर कोई मान लीजिए जो है ना जोकर की जो टोपी होती है वैसे जो ऊपर हम नीचे ये सर्किल पोर्शन हमको कवर नहीं करना है, सिर्फ एक ऊपर तो उसका जो सरफेस एरिया होता है पृष्ठ क्षेत्रफल वो पाई आर एल होता है, ठीक ना। ये चीज़ होता है, और जो शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 πr² एच होता है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, एल जो है हमें गायब करना पड़ेगा, हमारा जो फंक्शन है जो वेरिएबल है वो है यहाँ पे सरफेस एरिया, क्योंकि इस बार जो है वी हमारा फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि एच की वैल्यू निकाल के, अब चाहे सरफेस एरिया को हम किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, चाहे आर में चाहे एल में, तो हम कोशिश करेंगे कि जो सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल जो पाई आर एल, पहले एल की वैल्यू जो है स्टार से क्या करिए कि इसको हटा दीजिए, ये चीज़ हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो अब जो है सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो फंक्शन हो गया रेडियस में और एच में। अब h को कैसे हटाया जाएगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि √ आ रहा है,
तो क्या करिए कि ये जो है इसको समीकरण नंबर एक दे दीजिए, समीकरण एक का, ठीक ना, समीकरण एक का दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, वर्ग करने पर वर्ग कर दीजिए। जैसे वर्क करेंगे तो ये चीज़ हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और ये जो है अंडर रूट का स्क्वायर होता है, तो ये चीज़ सिंपली क्या होता है, रूट हट जाता है। देखिए अगर फंक्शन एस स्क्वायर मैक्सिमम और मिनिमम होगा तो क्या करेंगे कि अगर एस स्क्वायर फंक्शन अगर मैक्सिमम मिनिमम होगा किसी पॉइंट पे, तो एस भी क्या होगा, मैक्सिमम मिनिमम होगा। तो इसमें क्या करेंगे कि माना एस स्क्वायर को कुछ मान लेंगे, माना एस स्क्वायर इजकल टू जेड, ठीक ना। तो जेड जो है हम यहाँ पे नया फंक्शन इंक्लूड कर देंगे, पाई आर स्क्वायर, ये चीज़ एच स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ से जो है यहाँ पे एच को भी हमें हटाना है, तो एच कहाँ से हटेगा, यहाँ से वॉल्यूम से, क्योंकि इस बार वॉल्यूम फिक्स है, तो ये चीज़ होगा थ्री बी पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री बी बाई पाई आर स्क्वायर इजकल टू यहाँ पे एच, एच की जो वैल्यू है यहाँ से इसको ऐसे लिख देंगे, एच इजकल टू हो जाएगा थ्री बी अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। तो ये जो एच का मान है यहाँ पे हम रख देंगे जेड, ये चीज़ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर, ये चीज़ हो जाएगा थ्री बी बाई पाई आर स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर, ये चीज़ हो जाएगा मतलब ब्रैकेट। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जेड जो है रेडियस, यहाँ पे रेडियस है, वी तो हमारा फिक्स है क्योंकि ये जो है दिए हुए एक आयतन के लिए, यानी कि फिक्स आयतन के लिए। तो जेड जो है यहाँ पे हो गया पाई आर स्क्वायर, ये चीज़ हो जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ पे नाइन वी स्क्वायर, ये जो चीज़ हो जाएगा पाई स्क्वायर आर के पावर फोर, ठीक है। अब जो है जेड अब फाइनली क्या हो गया, इसमें और हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि जो है हम फंक्शन अब वो ढूंढ रहे हैं जिसका हमें डेरिवेटिव करना, अभी तक देखिए डेरिवेटिव यूज नहीं हुआ है, जो पूरा का पूरा डेरिवेटिव यूज नहीं हुआ है। जो जेड है पाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस नाइन वी स्क्वायर अपन पाई स्क्वायर आर के पावर फोर, मैंने यहाँ पर उसको उतार दिया है। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये जो चीज़ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर को इस ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, ये चीज़ हो जाएगा पाई आर के पावर फोर, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चीज़ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे नाइन वी स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर के पावर फोर, ठीक ना। ये जेड इजकल टू, पहले हम डेरिवेटिव अभी कर रहे हैं, पाई से एक पाई कटा, आर स्क्वायर से यहाँ पे कट जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा नाइन वी स्क्वायर, फाइनली हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर। कैसे, आप क्या करेंगे कि डी जेड बाई डी आर, आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे, तो ये चीज़ हो जाएगा पाई, यहाँ पे फोर आगे गिरेगा तो फोर आर क्यूब, ये जो चीज़ हो जाएगा अगर इसको हम ऐसे समझें कि नाइन वी स्क्वायर अपन पाई है, ये आर के पावर माइनस टू, माइनस टू आगे आएगा और ये चीज़ हो जाएगा माइनस थ्री, इसका डेरिवेटिव, ये चीज़ हो जाएगा डी जेड बाई डी आर फोर पाई आर क्यूब माइनस नौ दोनों के अट्ठारह वी स्क्वायर पाई आर क्यूब, ठीक ना। तो फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम इसको ज़ीरो करते हैं, फॉर ये चीज़ हमें लिखना पड़ेगा मैक्सिमा एंड मिनिमा, आप लिख लीजिएगा तो डी जेड बाई डी आर इजकल टू ज़ीरो। देखिए हमें एक प्रूफ क्या करना है, एस इजकल टू अंडर रूट टू इंटू आर, ठीक ना। ये चीज़ हमको क्या प्रूफ करना है ये भी दिमाग में रखना है, ये चीज़ हो जाएगा फोर पाई आर क्यूब माइनस एटीन वी स्क्वायर अपान पाई आर क्यूब इजकल टू ज़ीरो, ये चीज़ हो जाएगा फोर पाई
आर क्यूब माइनस पूरा लेते जाएंगे तो भी बराबर हो जाएगा 18 वी स्क्वायर अपान पाई आर क्यूब। देखिए हमें वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा पाई आर क्यूब इंटू पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे 18 वी स्क्वायर। तो जो वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई स्क्वायर आर के पावर 6 अपॉन 18 यहाँ से काट देते हैं 2 यहाँ पे 9 ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर आर के पावर 6 बाई 9। ये जो है वी स्क्वायर की वैल्यू आई 2 पाई स्क्वायर आर के पावर 6 अपॉन 9। तो जो वी स्क्वायर की वैल्यू आई है तो एक हमारे पास एक रिलेशन है यहाँ पे जो है एच। देखिए यहाँ पे रखना है एच इजकल टू 3b अपान पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम जब रख देंगे तो हम पाएंगे एच इजकल टू जो है आपको निकल गया। तो यहाँ पे एच इजकल टू जो है देखिए एच इजकल टू यहाँ पे है 3b अपान पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। तो 3b की वैल्यू जो है यहाँ पे अगर वी स्क्वायर वैल्यू 2 पाई स्क्वायर आर के पावर 6 है तो यहाँ से वी की वैल्यू क्या हो जाएगी इस पर अंडर रूट हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर आर के पावर 6 और 9। तो ये चीज़ निकल जाएगा पाई बाहर आएगा आर क्यूब आर के पावर 6 है तो आर क्यूब हो जाएगा अंडर रूट 2 अपान ये चीज़ हो जाएगा 9। देखिए यहाँ वी की वैल्यू रख देंगे पाई बाई 3 ये जो चीज़ हो जाएगा आर क्यूब अंडर रूट 2 अपान पाई आर स्क्वायर। 3 से 3 कटेगा पाई से पाई कटेगा आर स्क्वायर से एक ये कट जाएगा तो एच की जो वैल्यू आएगी आर अंडर रूट 2। यही चीज़ हमें प्रूफ करना था। कैलकुलेशन है थोड़ा सा आपको इसको समझना पड़ेगा। ये चीज़ हम कहाँ से लाए हैं एच इजकल टू 3b बाई यहाँ से ये जो चीज़ है ठीक ना। तो हर एक स्टेप जो है मैंने करके यहाँ पे दिखाया है तो आपको एकदम कर लेना है उसको छोड़ना नहीं है क्योंकि इसमें देखिए कोई आता पता रहता नहीं है क्योंकि अभी ये मैक्सिमम मिनिमा थोड़ा ये जो सवाल है ये अलग टाइप का है क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं दिया रहता है आपको खुद से मानना है फंक्शन हमको खुद से क्रिएट करना है ठीक ना। उसमें फिर कैसे हम करते हैं तो ये जो है मैंने बताया। अब जो है देखिए मुझे लग रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दिए हुए तीरे ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का जो अर्धशीर्ष कोण है टैन इनवर्स अंडर रूट 2 होता है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 25 और 26 दोनों एक ही टाइप का सवाल है तो मैं इसे बता दे रहा हूँ आप चाहे तो बहुत आसानी से भी लग जाएगा ये दोनों। क्वेश्चन नंबर 25 और 26 आप अपने से ट्राई करेंगे क्योंकि हर सवाल अगर हम बता देते हैं तो फिर आपके लिए कुछ बचेगा नहीं। तो मैक्सिमम मिनिमम में मैंने कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को जो है कवर किया जाए ठीक ना। 24 इधर 23 ये सारे सवाल इधर के सारे सवाल। अब क्या है कि इधर जो है आपको जो भी सवाल प्रॉब्लम हुई है लगाने में तो आप उसे आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी बताएं। और अगला जो है वीडियो आएगा 1 सितंबर आज है 28, 29, 30, 31 तारीख को जो है उसमें हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो है हासमान और विद्यमान वाले जो टॉपिक छूटा है उस पर मैं डिस्कस कर दूंगा और एक अप्रॉक्सीमेशन है ये आपको पड़ जाएगा। 1 तारीख से जो है ये जो टॉपिक छूटा है इसे मैं डिस्कस कर दूंगा वर्धमान इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन इसको मैं छोड़ूंगा। तो इस तरह से हम पूरा हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव काफ़ी लंबा चला काफ़ी इम्पोर्टेंट भी था ठीक ना। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर हम बता देते हैं तो आपका ये पूरा का पूरा जो है अवकलन वाला पोर्शन है वो समाप्त हो जाएगा। तो 1 सितंबर से जो है समाकलन शुरू होगा तो सितंबर पूरा और अक्टूबर तो अक्टूबर 15 अक्टूबर तक जो है यानी कि 40-45 दिन में जो है समाकलन खत्म हो जाएगा बशर्ते कि आपको जो अवकलन है वो पूरी अच्छी तरह से आया हो समझ में। अगर अवकलन क्लियर है तो समाकलन आप देखिए कैसे मैं धड़ाधड़ कर दूंगा तो उसमें बहुत कुछ जितना आपको डिफ्रेंसिएशन में अवकलन में समस्या हुई है उतना समाकलन में आपको नहीं होने वाली है ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। अगर आप जो है
डिफ्रेंसिएशन आउटलाइन को अच्छे से पढ़ें तब, ठीक है। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो को जो नोटिफिकेशन है आपको लगातार मिलता रहे, ताकि आप वीडियो जब भी आए तो आप उसे वंचित ना रह पाएँ, आपकी मोबाइल पे वो आ जाए शुभम क्लासेस का वीडियो जो है पढ़ चुका है। ये बिल्कुल कभी कभी जो है वीडियो हम लोग किसी कारणवश जो है नहीं डाल पाते हैं, व्यस्तता के कारण जो है नहीं डाल पाते हैं, लेकिन मैक्सिमम हम लोग कोशिश करते हैं कि एक टाइम टेबल के साथ जो है वीडियो पढ़ें, ठीक है। थैंक यू सो मच।